आपका तो स्टांस कभी भी इतना ज्यादा, मैं ये कहूंगी कि इतना एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो रहा नहीं है, ना आपने उनके खिलाफ कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ना कोई आपने ऐसी बातें की, बट देयर पीपल इन योर पार्टी हु आर मोर, मैं ये कहूंगी, वर्बल देन यू आर। आप फिर भी बड़ा तहमल से तरीके से डील भी करते हैं, क्वेश्चंस को जवाब भी देते हैं, बातचीत का भी करते हैं, तो व्हाई एग्जैक्टली वो यू टारगेटेड? आई मीन लाइक आई कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैस्मीन, मैं मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन। ये तो उनसे पता करना चाहिए। जो आपने फरमाया है वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो मतलब साला साल से जब से लिख रहा हूँ इसी, मैंने हमेशा पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के फौज के स्ट्रॉन्ग एक अदारे के तौर के ऊपर जो है उसको प्रोजेक्ट किया है और मैंने इसको डिफेंड किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हालात इस किस्म के हैं कि डिफेंड करना जो है उसका कोई बनता ही नहीं है, जो मुल्क के जिस तरह पुश किया जा रहा है, जो नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ऐसा उसके बावजूद, जी जी, ऐसा तो नहीं है सर। एक 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 पॉइंट क्यों रख लेते हैं कि रऊफ हसन साहब, ऐसा तो नहीं है कि करा कोई और रहा है और इल्जाम किसी और पे जा रहा है ताकि वो और ही बदनाम होते जाएं, ऐसा तो नहीं है? ये तो उन लोगों का आपस का मामला है, वो देखेंगे कि क्या होता है, मतलब क्या हो रहा है, और उनको चाहिए कि डिटरमिन करें कि कौन इस वक्त जो है मुल्क की कश्ती जो है उसको खींच रहा है। हमारा जो अंदाज़ा है, मेरी जो अपनी ज़ाती भी अंडरस्टैंडिंग है, वो यही है कि ये जो पॉलिटिकल इस वक्त डमीज बैठी हुई हैं, पिगमीज बैठी हुई हैं, इनके तो बस में ना आवाम का वोट है ना कोई और चीज़ है, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट इसको मिल रही है। अच्छा रऊफ हसन साहब, चले ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दे दी, और मेरी यही गुजारिश भी होगी उन हलकों से भी, उन लोगों से भी, कि अब हम इतनी दूर ना निकलें कि फिर वापसी का कोई रास्ता ना हो, एंड आई होप एवरीबडी इज़ प्रोटेक्टेड। अब एक सेकंड क्वेश्चन याद आता है, एपीसी, क्या एपीसी में बानी तरीके इंसाफ इज़ रेडी टू गो, या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, लास्ट मिनट पे यू टर्न हो जाएगा? और जाहिर सी बात है, दूसरी तरफ भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो वो एपीसी कॉल करें और फिर आप लोग जाएं ना, या जाएं और वहां जाके आप लोग कोई और बातें करना शुरू हो जाएं, तो व्हाट्स ऑन द एजेंडा, व्हाट्स ऑन द कार्ड्स? आई मीन ऑब्वियसली यू डोंट वॉन्ट टू शो योर कार्ड्स, बट अभी आई मीन लाइक आप अपने फॉलोअर्स को, पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं कि व्हाट इज योर फीडबैक और टेक ऑन दिस ऑपरेशन? देखिए अंडरस्टैंडेबली जैस्मीन, ये जो एपीसी बुलाई जा रही है ये फोकस्ड है ऑन अजमे इस्तकाम। जी, अजमे इस्तकाम जो है वो केपी स्पेसिफिक है। बेसिकली ऑपरेशन वहीं होना है क्योंकि वहाँ से ही रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो टेररिज्म हो रहा है। और क्या खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए ये हमारा मैंडेट भी है और हमारी रिस्पांसिबिलिटी भी है कि हम वहाँ के आवाम को प्रोटेक्ट करें, उनके हकूक़ की हिफाजत करें। लास्ट टाइम जब ये सारे, आपको पता है, एंटी टेरर ऑपरेशंस हुए थे, तो उस वक्त केपी के जो लोग थे वो बहुत डिस्प्लेस हुए थे, और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल जो तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा थे, वो उनमें से बहुत सी तादाद जो थी वो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो गई थी। तो हम नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई एक्शन जो है उसको रिपीट किया जाए। कंसिक्वेंटली हमने कहा था कि जी नेशनल असेंबली में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, क्योंकि उसके बाद हम प्रोविंशियल असेंबली को कॉन्फिडेंस में लेके, आवाम को कॉन्फिडेंस में लेके, हम चाहते थे कि हम एक कॉपरेशन हो उन एजेंसीज़ के दरमियान जो कि ऑपरेशन करने जा रही हैं, और प्रोविंशियल हुकूमत के दरमियान, ताकि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे, उनको डिस्प्लेसमेंट जो है उस जैसे टॉर्चर से ना गुजरना पड़े। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए खान साहब ने फैसला किया है कि जब भी एसपीसी कॉल होगी हम जाएंगे, उसमें हिस्सा लेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।